हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ बची हुई रोटियों से पकौड़े। इसके लिए मैंने ली है 6 बची हुई रोटियाँ, 3 प्याज, 4 हरी मिर्च, 10-12 लहसुन की कलियाँ, आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी। अब मैं रोटियों को तोड़ लूँगी, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक मिक्सी जार में डालूँगी। मैंने रोटियों के टुकड़ों को अलग रख दिया है और प्याज लहसुन और मिर्ची को मैं मिक्सी में डालकर क्रश कर लूँगी। प्याज लहसुन क्रश हो गए हैं, अब मैं इसमें रोटियों के टुकड़ों को डालकर उसे भी क्रश कर लूंगी। रोटियों को मैंने क्रश कर लिया है, अब उसमें नमक और हल्दी डालकर मैं फिर से उसे मिक्सी में चला दूंगी ताकि सभी चीजें आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब मैं मिक्सी के जार से सभी सामान को निकालकर एक थाली में रख लूंगी और उससे छोटी छोटी टिक्कियां बना लूंगी। सभी टिक्कियां बन गई हैं। अब बेसन का घोल बनाने के लिए मुझे चाहिए 2 बड़े चम्मच बेसन, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च और 1/4 चम्मच मैंने अजवाइन ली है। अब एक बड़े बॉल में मैं ये सारी चीजों को मिलाकर एक पतला घोल तैयार कर लूंगी। अब घोल तैयार हो गया है। टिक्कियों को तलने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है जिसमें मैंने तेल भी डाल दिया है। तेल गर्म होने पर टिक्कियों को बेसन के घोल में डुबोकर मैं सुनहरा होने तक तल लूंगी।
जब टिक्कियाँ गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तब मैं उन्हें निकाल लूँगी और इसी तरह मैं सारी टिक्कियाँ भी तल लूँगी। ये टिक्कियाँ ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। टिक्कियाँ रेडी हैं और साथ में चटनी भी रेडी है। बेसन का घोल थोड़ा बच गया था तो उसमें मैंने ये लाई डालकर थोड़ी सी लाई की पकौड़ियाँ भी बना ली हैं। अब टिक्कियों को बड़ी की चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। ये चटनी मैंने बड़ी से बनाई है जिसे हमारे यहाँ घोड़ौरी भी कहते हैं। टिक्कियाँ आप किसी भी चटनी या सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब ये टिक्कियाँ आप बनाइए और खाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपको चटनी की रेसिपी जाननी है तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बनाऊंगी।